सागर में हुई मध्य प्रदेश के बस संचालकों की बैठक, बैठक के दौरान नहीं हुआ सोशल डिस्टेंस का पालन। सागर राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पहुंचे सर्किट हाउस क्रमांक एक, यहां ले रहे ट्रांसपोर्ट यूनियन की बैठक। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के भाई कल निकले थे कोविड 19 पॉजिटिव। मंत्री गोविंद सिंह नहीं हुए क्वारंटीन और बैठक के दौरान नहीं किया सोशल डिस्टेंस का पालन। मध्य प्रदेश के कई जिलों से आए थे बस ऑपरेटर। बसों के संचालन के लिए परिवहन मंत्री तथा बस संचालकों की सागर के सर्किट हाउस नंबर एक में बैठक हुई। बैठक में नहीं निकला कोई नतीजा। बस संचालकों ने मंत्री के समक्ष रखी अपनी मांगे। परिवहन मंत्री ने कहा, भोपाल में लॉकडाउन हटने के बाद परिवहन विभाग के अधिकारियों तथा बस संचालकों की कराई जाएगी बैठक, बीच का निकाला जाएगा रास्ता। आप लोग आज कहां कहां से आए हैं यहां पे मांग को लेकर मंत्री जी के पास? पूरे मध्य प्रदेश से पूरे बस ऑपरेटर हैं, मंदसौर, नीमच, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, इंदौर, भोपाल, सबसे बस ऑपरेटर आए हैं। और आदरणीय मंत्री जी और सांसद महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि इस कोरोना काल में जब शासन के आदेश से ही बसें खड़ी की गई हैं, तो अक्टूबर तक का कम से कम यह टैक्स जो पैसेंजर टैक्स के नाम से लिया जाता है वह माफ़ किया जाए। और फिर नवंबर से जैसी स्थिति रहेगी, तो जैसी दूसरी स्टेटों में क्रमशः ले रहे हैं क्रमबद्ध, उस स्थिति में चालू हो पाएंगे, नहीं तो कोरोना काल में बस संचालन संभव नहीं है। या पर अभी आप लोग बस चलाएंगे या बस नहीं चलाना चाहते? नहीं, बस अभी हम लोग कोरोना काल में नहीं चलाना चाहते। एक तो अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है तो वो जवाबदारी भी पूरी बस ऑपरेटर के ऊपर होगी, तो हम लोग तो नहीं संचालन करना चाहते। सर, आज आप लोग की जो बैठक थी मंत्री जी के साथ में, क्या निर्णय हुआ और आप लोग कहाँ से आए हैं? आज मध्य प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन के करीब 15 जिलों के प्रतिनिधि आए थे माननीय परिवहन मंत्री से मिलने के लिए, और उनकी जो हमारी प्रमुख पांच मांगे थी इसके संबंध में उनसे चर्चा हुई। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम इन मांगों में विचार करेंगे, भोपाल जा करके अपने PS परिवहन और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से चर्चा करने के बाद इसमें निर्णय लेंगे। लॉकडाउन ख़त्म होते ही उन्होंने एक मीटिंग भोपाल में रखने के लिए आश्वस्त किया है कि आपके प्रतिनिधि मंडल बस ऑनर्स एसोसिएशन का। और अभी लॉकडाउन तो चल रहा है, लॉकडाउन हटाने और आप लोगों को टैक्स भी देना पड़ा है? नहीं, उस वही सब मांगे थी जिसके विषय में उन्होंने विचार करने के लिए बोला है। मुख्य पांच मांगे थी और उसके लिए ही वो उन्होंने लॉकडाउन भोपाल का जब समाप्त होगा, जिससे सब लोग वहाँ पहुँच जाएँ, तो वहाँ पर बैठक होगी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आपके परिवहन सचिव, माननीय परिवहन। तो अभी क्या कंडीशन है आप लोगों की, आप बस चलाएंगे नहीं चलाएंगे? नहीं, अभी तो बस चलाने की स्थिति में कतई नहीं है। जब तक टैक्स पांचों मांगे नहीं मानी जाती हैं, तब तक हम किसी हालत में बस संचालन नहीं करेंगे और न ही हम बस संचालन करने की स्थिति में हैं। तो मंत्री जी ने क्या कहा इस बात? मंत्री जी ने वही लॉकडाउन के बाद भोपाल में एक बृहद बैठक करने का आमंत्रण दिया है और उसके बाद ये निर्णय होगा। माननीय मुख्यमंत्री से बात दीजिए, ये मैटर जाएगा और मुख्यमंत्री जी की भी सहमत लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये आर्थिक पक्ष है। इसके अंदर टैक्स माफ होगा तो करीब 150-200 करोड़ रुपये शासन को माफ करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि ये वो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से करीब 35 करोड़ रुपया प्रति माह बस ऑनर्स एसोसिएशन की तरफ से टैक्स जाता है मध्य प्रदेश शासन को। जहाँ एक तरफ शासन को टैक्स का नुकसान हो रहा है बस संचालित न होने से, वहीं दूसरी तरफ बस ऑपरेटर का भी नुकसान हो रहा है। और जो हजारों परिवार, गरीब परिवार जिसके साथ ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिवार जुड़ा है, वो भूखों मरने की स्थिति में है। इसलिए शासन को ये सोचना चाहिए कि ये निहायत गरीब तबके और मध्यम वर्गीय परिवार के जो निचले स्तर के लोग हैं, उन्हें वो बस से ट्रेवल करते हैं और उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए अतिशीघ्र बस का संचालन करना ये शासन की जवाबदारी भी है और गरीबों के साथ बहुत बड़ा न्याय भी है। भाई साहब, जो बस ऑपरेटर जो आज आए हैं मध्य प्रदेश से सभी, तो क्या निर्णय लिया गया है? अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। बस वालों ने अपनी मांग रखी है और इनको हम लोगों ने सुना है। ये अब हमने कहा है कि भोपाल में अभी लॉकडाउन है, जैसे ही भोपाल का लॉकडाउन खुलेगा इन लोगों को बुलाएंगे और हमारे वरिष्ठ अधिकारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ में इन लोगों की बैठक करेंगे और जो भी संभव होगा वो ऐसा कुछ हल निकाला जाएगा कि इनका भी नुकसान ना हो, शासन का भी नुकसान ना हो, बीच की रास्ता बनाकर कुछ हल हम लोग निकालेंगे। क्योंकि कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि बस इंडस्ट्री नहीं, सब कुछ इंडस्ट्री हो,
अर्थव्यवस्था पूरे देश की चरमराई हुई है, मध्य प्रदेश भी कोई अलग नहीं है, ऐसा सब देखते हुए कोई हल निकालेंगे जो कि एक सामंजस्य वाला हल होगा। भाई साहब आपके जो भैया हैं वो भी, उनको भी कोरोना है, उसके बाद आप क्या सतर्कता अपनाते हैं यहाँ लोगों से मिल रहे हैं? देखिए वो चूँकि हमारे भैया का घर अलग था, हम लोग एक साथ एक घर में नहीं रहते थे, लेकिन फिर भी आज सारे लोगों की, हमारे परिवार की नहीं, पूरे स्टाफ की, पूरे ड्राइवर्स की, पूरे हमारे जितने भी नौकर चाकर हैं सबका हमने टेस्ट कराया है और सबसे कहा है कि अब आप क्वारंटाइन रहिए और एक दो 5-6 दिन बाद फिर से जांच कराएंगे। और मैं समझता हूँ कि आदमियों को स्वेच्छा से अगर कोई भी लक्षण दिखते हैं उसको स्वयं जाकर जांच कराना चाहिए। थैंक्स।